यह है राजधानी का AN कॉलेज, अनुग्रह नारायण कॉलेज। यहाँ पे छात्र और छात्राएं अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर हैं, और आइए हम पूछते हैं कि क्या हुआ है आखिर, ये भूख हड़ताल क्यों स्टार्ट किया गया, बताइए आप कि ये भूख हड़ताल आप लोगों ने किस बात के लिए रखा है और क्या रीज़न है। महाविद्यालय में छात्राओं से एडमिशन के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है, ये प्रिंसिपल अवैध वसूली कर रहा है एडमिशन के नाम पे छात्राओं से। बिहार सरकार और हमारे यूनिवर्सिटी का कहना है कि छात्राओं से एक भी रुपया एडमिशन के नाम पे नहीं लिया जाएगा, जबकि ये इस बात का पूरा खिलाफ है और ये छात्राओं से एडमिशन के नाम पर अवैध पैसा ले रहे हैं और अपना मनमानी चला रहे हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है? मतलब हमारी मांग है कि छात्राओं का जो जिन छात्राओं से पैसा लिया गया उन छात्राओं को पैसा वापस किया जाए और आगे से किसी भी छात्रा से एडमिशन के नाम पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उनके खिलाफ अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल पर रहेंगे और छोड़ो सबक सिखाएंगे। तो ये मांग जो है आप लोगों का किन से आपने मतलब एक्सपेक्ट किया है, किन से? ये हमारी मांग पूरी तरह इस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री शाही जी से है। ओके, और दूसरी बात कि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो अभी आए हुए थे, एक्चुअली आप लोगों को बोल के गए हैं, क्या बोल के गए हैं? वो हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से हटाने का कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम लोगों का आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन हम लोग इस बात पे अड़े रहेंगे, अपने बात पे अड़े रहेंगे और उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ रहेंगे जब तक वो हमारी मांग नहीं मानते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग उनके खिलाफ रहेंगे। चूंकि मैंने बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ देखे हैं, वर्षों से बंद पड़े छात्रावास को खोला जाए, ये क्या? जी हाँ, ये छात्रावास, ये वर्षों से हमारे कॉलेज का जो छात्रावास है ये बंद करके रखे हैं और इस छात्रावास का जितना भी पैसा आता है ये लूट कर रखते हैं, ये लूट मचा कर रखे हैं पूरे कॉलेज में। ये एक सिर्फ छात्राओं का ही मामला नहीं है, मेन मामला तो छात्राओं का है, लेकिन ये सिर्फ छात्राओं का ही मामला नहीं है, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा मामला है जो कि यहाँ पे बहुत सारी लूट मची है, हर तरफ से हर क्षेत्र में यहाँ पे लूट मची है। तो जब तक आप लोग मांग पूरी नहीं हो जाए आप लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तब तक यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम विक्की सिंह। वो अभी आए हुए थे, एक्चुअली आप लोगों को बोल के गए हैं, क्या बोल के गए हैं? वो हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ से हटाने का कोशिश कर रहा है, वो चाह रहा है कि किसी भी तरह से हम लोगों का आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन हम लोग इस बात पे अड़े रहेंगे, अपने बात पे अड़े रहेंगे और उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ रहेंगे जब तक वो हमारी मांग नहीं मानते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं करते तब तक हम लोग उनके खिलाफ रहेंगे। चूंकि मैंने बहुत सारे पोस्टर्स यहाँ देखे हैं, वर्षों से बंद पड़े छात्रावास को खोला जाए, ये क्या? जी हाँ, ये छात्रावास, ये वर्षों से हमारे कॉलेज का जो छात्रावास है ये बंद करके रखे हैं और इस छात्रावास का जितना भी पैसा आता है ये लूट कर रखते हैं, ये लूट मचा कर रखे हैं पूरे कॉलेज में। ये एक सिर्फ छात्राओं का ही मामला नहीं है, मेन मामला तो छात्राओं का है, लेकिन ये सिर्फ छात्राओं का ही मामला नहीं है, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारा मामला है जो कि यहाँ पे बहुत सारी लूट मची है, हर तरफ से हर क्षेत्र में यहाँ पे लूट मची है। तो जब तक आप लोग मांग पूरी नहीं हो जाए आप लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तब तक यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आपका नाम? हमारा नाम विक्की सिंह।